assalamu alaikum students welcome back to your online math class i am your math teachers today i am going to tell you how to solve question number 10 and 11 uh, uh, so the question number 10 is two consecutive odd integers are such that one third the smaller one is greater then one seventh of the larger one by six. Find the numbers so they are talking about odd integers. What odd integers? What are integers? First, tell me what are integers. Uh, integers are one plus one plus minus one, one, two, three. These are all integers. When they are talking about odd, odd the numbers are three, five. 7 these are odd integers so in this question they are saying that two consecutive odd integers so I am taking two odd integer let um, uh, uh, first integer uh, so they are talking about two integer one smaller number so uh, I am writing smaller number as X एंड लार्जर नंबर एस एक्स प्लस टू हाउ लेट सपोज अगर मेरे पास जो स्मॉलर नंबर है वो एक्स है तो ऑट इंटीजर फर्स्ट ऑर्ट इंटीजर थ्री है तो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्ट इंटीजर कैसे आएगा थ्री प्लस टू एज फाइव तो हमारे पास थ्री से बड़ा हो जाएगा फाइव तो ये लार्जर इंटीजर आ जाएगा सिमिलरली अगर हमारे पास स्मॉलर इंटीजर फोर्टी uh, फाइव है तो नेक्स्ट लार्जर इंटीजर कैसे होगा फोर्टी फाइव में टू प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन तो वो नेक्स्ट हमारे पास ऑड इंटीजर आ जाएगा जैसे हमारे पास फोर्टी नाइन ऑट इंटीजर है तो फोर्टी नाइन में मैं टू प्लस करूँ फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी वन हमारे पास लार्जर ऑड इंटीजर आ जाएगा तो इट्स का मतलब ये है कि स्मॉलर ऑड इंटीजर अगर हम एक्स ले रहे हैं तो लार्जर कैसे आएगा कि हम एक्स में टू प्लस करेंगे तो नेक्स्ट इंटीजर आ जाएगा सपोज हमारे पास फाइव ऑड इंटीजर है तो न... स्मॉलर इंटीजर है तो लार्जर कैसे आएगा फाइव में टू प्लस करेंगे तो सेवन सेवन फाइव से बड़ा है तो वो लार्जर वन आ जाएगा नेक्स्ट दे आर से टू कॉड इंटीजियर आस वन थर्ड ऑफ स्मॉलर वन दे आर टॉकिंग अबाउट दन इज वन थर्ड द लार्जर वन इज स्मॉलर दैन सॉरी थर्ड द स्मॉलर वन वन थर्ड द स्मॉलर वन वन थर्ड ऑफ विच वन स्मॉलर वन वन थर्ड मीन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन दे आर सेइंग अगर हम वन थर्ड लें वन थर्ड मतलब वन बाय थ्री लें किसका स्मॉलर का uh, और नेक्स्ट वन सेवंथ लें किसका लार्जर का वन थर्ड लें किसका स्मॉलर का और वन सेवन लें सेवन का ठीक है द टू देखें दोबारा क्वेश्चन पे टू कंजेक्टिव ऑर्ड इंटीजर्स ऑर्ड इंटीजर्स तो हमने ले लिए वन इंटीजर इज द अदर वन इज थर्ड किस का स्मॉलर का तो स्मॉलर एक्स था तो उसका वन थर्ड ले लिया हमने इज ग्रेटर देन वन सेवंथ ऑफ द लार्जर वो बड़ा है वन थर्ड जो है one time, larger number से बड़ा है कितने by one, by one, by six, by six, मतलब अगर हम larger one में अगर मैं लार्जर नंबर में सिक्स ऐड कर दूं तो वो इक्वल हो जाएगा स्मॉलर नंबर के क्या बोल रहे हैं वन थर्ड द स्मॉलर वन वन थर्ड द स्मॉलर वन वो क्या है इज इज ग्रेटर वन थर्ड ऑफ स्मॉलर नंबर जो है वो ग्रेटर है किस से वन सेवंथ जो है अगर हम वन सेवंथ लें लार्जर नंबर का बाय सिक्स बाय सिक्स मतलब सिक्स टाइम मतलब अगर हम लोगों को हम उन्होंने कहा है कि वन थर्ड जो है स्मॉलर नंबर का वो क्या है वन सेवन लार्जर नंबर से बड़ा है अग, बड़ा है कैसे अगर हम उसमें ऐड कर दें तो वो थर्ड ऑफ एक्स के स्मॉलर नंबर के इक्वल हो जाएगा इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है वी हैव टू टेक टू इंटीजर्स एक स्मॉलर नंबर लेना है एक्स तो लार्जर नंबर हम लोगों ने लेना है एक्स प्लस टू क्यों दे आर टॉकिंग अबाउट ऑड इंटीजर ऑड इंटीजर अगर हमारे पास x है तो दूसरा हमेशा उसमें टू प्लस करके ही आएगा फर्स्ट अगर थ्री सपोज फर्स्ट ऑर्ड इंटीजर थ्री है तो थ्री स्मॉल है नंबर है तो इससे नेक्स्ट नंबर फाइव है वो कैसे आएगा थ्री प्लस टू फाइव वो बड़ा हो जाएगा थ्री से तो x स्मॉलर है बड़ा नंबर x प्लस टू है फिर बुक में उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हम स्मॉलर नंबर का वन बाय थ्री लें तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा लार्जर नंबर के वन बाय सेवन लेने से और वो इक्वल तब होंगे अगर हम लार्जर नंबर में सिक्स प्लस कर देंगे तो वो स्मॉलर नंबर के इक्वल हो जाएंगे सो so, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बाय थ्री आ जाएगा हेयर वन इज मल्टीप्लाइंग दिस टू टाइम वन एक्स एक्स वन टू सा टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय सेवन प्लस सिक्स ये मेरे पास इक्वेजन आ गई है इस इक्वेजन के सिक्स के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं गिवन तो हम लोग वन पुट कर देंगे नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑन दिस साइड मल्टीप्लाई दिस साइड विद सेवन दिस फ्रैक्शन बाय सेवन एंड दिस फ्रैक्शन बाय वन नाउ द डिनोमिनेटर्स आर सेम ट अ वैल्यू मल्टीप्लाय टू वैल्यू एक्स प्लस टू एक्स प्लस नो इट्स योर टास्क यू हैव टू सोल्व दिस इक्वेजन बायर सेल्फ आफ्टर सोल्विंग दिस इक्वेजन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स जो भी वैल्यू एक्स की आएगी आपको मिल जाएगी फिर वो एक्स की वैल्यू जो होगी वो स्मॉलर नंबर होगी लार्जर नंबर की वैल्यू कैसे आएगी दैट इज एक्स प्लस टू जो भी आंसर आएगा उसमें आपने टू प्लस कर देना है तो आपके पास लार्जर नंबर मिल जाएगा अब आपने कल आपको मैंने ये टास्क दिया था ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ अब मैंने ये सोल्यूशन अपलोड की है काइंडली वॉच दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन ओके स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी